गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको चैप्टर जो है 19.6 तक हमने आपको सॉल्व करा दिया हुआ है। आज हम लोग चैप्टर 19.7 को सॉल्व करेंगे। आदि शर्मा बुक चल रहा है। मेरा नाम राजेश गुप्ता है और आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल पीसीएम नंदराज। ओके, तो आज ये चैप्टर देख लो, हेडिंग डाल चुके हैं 19.7 के लिए और ये है आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये हम लोग जो है इंटीग्रेशन मेथड वाइज सब्स्टिट्यूशन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें करना क्या है कि अगर हम पुट कर देते हैं टैन एक्स को क्या जेड, ओके, तो टैन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, ओके, डी एक्स अपने से जेड का डी जेड, ठीक है। अब क्या करोगे, क्वेश्चन पे जरा आ जाओ। टैन को क्या बोले हो, जेड, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टैन क्यू है तो ये हो जाएगा जेड क्यू। और इस पोर्शन को जरा देख लो, ये पोर्शन तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ से देखो मैच करो डी जेड। अब तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है ना गाइस, तो क्या करोगे, जेड क्यू का क्या हो जाएगा, जेड फोर बाई फोर, पावर में एक जोड़ दिया, जो मिले उतने का डिवाइड करना है आपको। इसके बाद जेड का मान रिटर्न कर दो, जेड मतलब क्या, टैन एक्स, पावर फोर है तो क्या कर देगा ये, टैन फोर एक्स बाई फोर, आंसर लिख रहे हो तो सी भी लगा दो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर टू को देखो। देखो क्या करें, दो ही ऑप्शन है, या तो तुम टैन को जेड बोलोगे या तो सेक को जेड बोलोगे, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर हम इस चीज को, ठीक है आई मान लिया, अगर हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक टैन एक्स को छोड़ दिया, इस सेक फोर है ना, इस सेक फोर को ऐसे लिख देते हैं वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स, तो ये वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स मिलकर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। और चूंकि यहां सेक फोर है तो एक सेक स्क्वायर को फ्री कर दिया, ये समझो, ये वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, एक सेक स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, सेक फोर एक्स हो जाएगा। अब यदि टैन को जेड बोल देते हो तो ये हमारा चला जाएगा डी जेड में। ओके, बिल्कुल, तो क्या पुट करने जा रहे हो, टैन एक्स को जेड, टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर डी एक्स, जेड का डी जेड। क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, टैन को बोला आपने जेड, यहां से क्या हो गया, वन प्लस जेड स्क्वायर, ओके, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये मिलकर क्या हो जाता है, देख लो डी जेड हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, जेड प्लस, ये देखो ये दोनों पे जा रहा है, जेड प्लस जेड क्यू, ओके ओके सही है। अब जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई टू, जेड क्यू का इंटीग्रेशन जेड फोर बाई फोर, ओके लिखोगे ना। अब करना क्या, बस तुमको जेड का केवल मान रिटर्न करते रहना है, जेड मतलब टेन एक्स, यहाँ जेड स्क्वायर है तो क्या हो गया तुम्हारा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो गया तुम्हारा टेन फोर एक्स बाई फोर, ये आंसर लिख रहे हो, आसान है, देख रहे हो, बढ़ो आगे, चलो आगे बढ़ जाते हैं जी। ये चैप्टर 19.7 एक दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। इसी प्रकार से आपको अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, क्या है, टेन फाइव एक्स सेक स्क्वायर एक्स, नो सेक फोर एक्स है एल डी एक्स। अब क्या करोगे जरा देखो, यहां पर क्या करोगे, किसे जेड बोलो, तो ऐसा लग रहा है एक टेन फाइव एक्स को छोड़ दो, सेक फोर है ना, इसको दो भागों में बांट दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, एक सेक स्क्वायर एक्स का जगह वैल्यू रख दिया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्या हो गया सेक स्क्वायर, और एक सेक स्क्वायर को फ्री छोड़ दो। अब टेन को जेड बोल दो तो ये चला जाएगा तुम्हारा डी जेड, बहुत सिंपल, बिल्कुल वही चीज, वही कहानी हो रहा है, देख लो फिर से, फिर वही कहानी, टेन एक्स को पुट करा जेड, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर डी एक्स, जेड का डी जेड। देखते चलो, जरा देखते चलो क्या हो रहा है, सही है ना, बढ़ो आगे। अब क्वेश्चन पे आओ, चलो इसको आई मान लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन पर रिटर्न हो, टेन को क्या बोला जेड, टेन फाइव एक्स है तो क्या हो गया जेड फाइव, ये वन प्लस टेन स्क्वायर, टेन एक्स मतलब जेड, तो वन प्लस जेड स्क्वायर, और ये पोर्शन तुम्हारा क्या हो जाता है डी जेड। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जेड फाइव ये मिलकर हो गया जेड सेवन, ओके, अब तो इंटीग्रेशन बैठेगा,
तो जेड फाइव का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जेड सिक्स बाई सिक्स, ये तो समझ रहे हो ना। जेड सेवन का कितना हो जाएगा, जेड एट बाई एट प्लस सी। अब सिंपल जेड का मान रखना है, जेड मतलब क्या बोले हो, टेन एक्स, जेड सिक्स है तो क्या हो जाएगा, टेन सिक्स एक्स बाई सिक्स प्लस ये हो गया टेन एट एक्स बाई एट, आंसर। ओके आसान, ठीक है आसान है बिल्कुल। चलो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ओके एक क्वेश्चन नंबर फोर, सिक्स एक्स इंटू टेन एक्स। अब ऐसा करो ना, इसमें आपको देखना है ना किसे जेड बोलू, एक्स एलिमिनेट हो जाए। सेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होते हैं, एक सेक को यहां बचा लो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, इस सेक सिक्स है ना तो इसको सेक फाइव एक्स कर लो, एक को फ्री कर दो। समझ लो कैसे करने जा रहे हो, एक सेक को इधर फ्री कर दिए, अब सेक को बोल लो जेड, तो ये तुम्हारा चला जाएगा डिजिट में। ओके तो पुट करा क्या, सेक एक्स के जगह पर जेड। अब सेक का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, जेड का डी जेड। क्वेश्चन पे लौट आओ, क्या बोलते हो, सेक को क्या बोले हो, जेड, कितना हो गया, जेड फाइव, और ए पोर्सन ए देख लो, ए पोर्सन डी जेड कितना इंटीग्रेशन, जेड का पावर सिक्स बाई सिक्स। जेड का मान रख दो, जेड किसको बोलेगा, सेक को, तो क्या हो जाएगा, सेक सिक्स एक्स बाई सिक्स, आंसर लिख रहे हो। आसान है गाइस, आसान है आसान, आगे बढ़ जाऊं ना। एक क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से बनाना है आपको, क्वेश्चन नंबर फाइव, टेन फाइव एक्स। एक क्वेश्चन नंबर फाइव, लेट आई इज इक्वल टू, अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, देखो कैसे कैसे इसमें हम लोग क्वेश्चन के अप्रोच बढ़ा सकते हैं। एक तो उपाय मेरे को ये दिख रहा है क्या, कि हम क्या करते, एक टैन को फ्री कर देते, यानी टैन फोर एक्स इंटू टैन, ऐसा लिख सकते थे ना। देखो तो क्या हुआ, ए मिलकर टैन का फाइव हो गया ये। अब इसके जगह पर क्या, टैन फोर एक्स है, ठीक, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या हो गया, टैन स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दिए, फिर समझो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या हुआ, टैन स्क्वायर, ए स्क्वायर मिलकर क्या कर दिया, टैन फोर। ओके और ये टैन एक्स इंटू डी एक्स अभी भी अपने जगह पर मौजूद। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हम, ये हो गया तुम्हारा टैन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर इसको कर दिया टैन फोर एज इट इज। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, जरा उसको देखो, अब ये देखो, सेक का ऊपर नीचे गुना भाग, ये देख लो, ये सेक का ऊपर नीचे गुना भाग हो गया। मतलब फिर से देखो, ये सेक सेक चाहो तो तुम उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेक का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जैसे यहां पर देख रहे हो ना, ये देख लो, ये चला गया तुम्हारा क्या चीज में, डी जेड में, और ये जेड के टर्म में आ जाएगा। सिंपल गाइस, अब तो बन जाना है। फिर वही कहानी, पुट करा हमने सेक एक्स को जगह पर जेड, डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, जेड का डी जेड। अब क्वेश्चन पे जरा लौट लो, सेक एक्स को बोले हो जेड, यानी कितना हो गया, जेड स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपने जगह पर बाई जेड ए पोर्सन डी जेड। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, फिर बांट दो, एक्शन पर सब टूट जाएगा। समझ लो क्या करने वाले हैं। ओके ठीक है, चलिए करना क्या है देख लो भाई, आओ वहां से, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके, बाई जेड अपने जगह पर देख, चलो बांट दो इसको, दिस बाय दिस जेड क्यू माइनस दिस बाय दिस टू जेड प्लस वन बाई जेड। ओके अब इंटीग्रेशन बांट दो, या फिर समझ रहे हो तो डायरेक्ट कर लो,
आ जाओ, अगर बांटने का ही मन है तो चलो बांट के दिखा दो। टू कॉन्स्टेंटर पीछे गया तो किसका इंटीग्रेशन निकलेगा? जेड का निकल जाएगा क्या? बिल्कुल। प्लस किसका इंटीग्रेशन निकलेगा? वन बाई जेड का। अब क्या करोगे? जेड क्यू का हो जाएगा, जेड फोर बाई फोर माइनस टू, जेड का जेड स्क्वायर बाई टू, ध्यान देना जेड का जेड स्क्वायर बाई टू, ठीक है वो टू टू आपको कट जाते बात अलग। वन बाई जेड का कितना हो जाता है? लॉग जेड। अब बस जेड का मान रिटर्न करना है, ये क्या हो गया टेन, जेड किसको बोले हम लोग? सेक को बोले हैं, ये जेड फोर, यानी ये हमारा क्या हो जाता है? सेक फोर एक्स बाई फोर माइनस जेड स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग जेड मीन्स सेक एक्स, आंसर लिख रहे हैं सी। ओके नोट किया जाए, नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोग देखा, ठीक है इसी क्वेश्चन को और हम क्या कर सकते थे, क्या दूसरे तरीके से भी इसको हम सोच सकते थे क्या? देखा जाए क्या, नोट करो, अगर दूसरे तरीके से अगर हम देखना चाहें तो क्या कर सकते थे? देखे आपने इस मेथड से बनाया तो यही आंसर सही, थोड़ा सा आपको आंसर कभी आंसर कभी कभी डिफरेंट दिखने लगते हैं गाइस, लेकिन वो आंसर अलग नहीं एक ही होते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेक का यहीं पर गुना का भाग कर देते हैं, या फिर क्या कर लो टेन फाइव है, सेक का गुना भाग कर देने से ये हो गया, क्या कर लोगे इसको, सेक स्क्वायर को अलग कर देते हैं, छोड़ दो इसी रूप में छोड़ दो, देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आएगा तो देख लेते हैं इस पर, लेकिन है ऑप्शन बना सकते थे हम लोग, आगे मिल जाएगा फिर तो दूसरा मेथड लग जाएगा तो लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक क्वेश्चन नंबर सिक्स यहीं पर डाल दूं क्या चीज हेडिंग, अंडर रूट टेन एक्स सेक फोर एक्स, चलो क्या कर सकते हो बोलो, इस सेक स्क्वायर सेक फोर को टू भागों में बांट दो, ये अंडर रूट टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कर सकते हो ना? नहीं कर सकते बोलो, कर सकते हैं? इस सेक स्क्वायर की जगह पर लिख दो क्या वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स बना हुआ अपनी जगह पर, अरे यार टेन को जेड बोल दो ना, डिजेड में तुम्हारा चला जाएगा, ये समझ रहे हो क्या? पुट कर देते हैं क्या टेन एक्स के जगह पर जेड, टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स अपने से जेड का डिजेड, क्वेश्चन पे लौटते हैं क्या कर सकते हो, देखो रूट जेड, ओके ये क्या हो गया वन प्लस जेड स्क्वायर, एक पोर्सन ए पोर्सन डिजेड गुना कर दो क्या हो गया दिस, तो जेड का पावर हाफ प्लस ए गया इस पर तो कितना हो जाएगा जी हाफ पावर एट टू फाइव बाई टू, जेड का पावर फाइव बाई टू, ओके ये तो समझ रहे होगे जी, पावर में एक जोड़ोगे थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू, उसमें टू पर चला गया, ठीक है इसमें पावर में एक जोड़ोगे सेवन बाई टू, सेवन बाई टू टू पर चला गया, बस जेड का मान रहते ना, ओके जेड मतलब टैन, ठीक हो गया टैन थ्री बाई टू एक्स प्लस टू बाई सेवन टेन सेवन बाई टू एक्स, आंसर लिख रहे हो इसलिए सी थी। एक क्वेश्चन नंबर सिक्स, जल्दी अगर आप लिख रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर सेवन, आई इज इक्वल टू है सेक फोर टू एक्स, ओके चलो देखो क्या करोगे, ऐसा करो इससे इसको ऐसे दो भागों में इसको बांटो क्या सेक स्क्वायर टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर टू एक्स, और आई थिंक कोई गलत भी नहीं हो रहा है, मिलकर सेक फोर, अब जैसे जानते हैं टेन का डिफरेंस सेक स्क्वायर होता है तो इसको तो हम ले जाएंगे डिजिट में तो इसको टेन बदल लेते हैं, मतलब क्या करोगे इसको लिख दे क्या वन प्लस टेन स्क्वायर टू एक्स ए मिलकर सेक स्क्वायर, और इसको छोड़ दिया हमने अपने जगह पर एक छोड़ दिया इसको, अब टेन टू एक्स को जेड बोलो, ओके
यानी पुट करने जा रहे हैं क्या भाई, टैन 2x के जगह पर जेड, टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। ओके समझना, x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, एंगल उतरा वहां गया, उसमें तुम्हारा 2 पीछे x का 1, ओके ना, z का अच्छा dx तो दोगे ना, और z का कितना हो गया dz, बस इस 2 को नीचे लटका दो, यानी क्या हो जाता है sec स्क्वायर 2x dx, ए 2 नीचे लटक रहा है, मीन्स dz बाई 2। अब क्वेश्चन पे जरा आ जाओ, क्या था 1 प्लस जेड स्क्वायर, देखो tan 2x को ही z बोले हो ना, तो ये हो गया क्या 1 प्लस जेड स्क्वायर, और इस पोर्शन को जरा देख लो, तो dz बाई 2। ओके अरे यार इस हाफ को पीछे ले जानो, क्या दिक्कत है, ले जा सकते हो ना, अब सिंपल इंटीग्रेशन हो गया यार, ये देख लो इसे इरेज कर लो पहले, सिंपल इंटीग्रेशन गाइस, क्या करें बच्चों जरा बता दो, ये dz का इंटीग्रेशन बिल्कुल जेड, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाई 3, और बस जेड मीन्स टैन 2x, ओके ये देखो जेड मीन्स टैन 2x, जेड मीन्स ये हो गया टैन क्यूब 2x बाई 3, ये आपके आंसर हो गए, नोट करो। तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी करेंगे, ठीक है बढ़ो, ये तो इसी का फोटोकॉपी दिख रहा है, नाइन्थ भी तो बहुत सिंपल दिख रहा है, नाइन्थ है क्या, एक क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी, cot nx, ओहो cosec स्क्वायर nx, n कहाँ है पता नहीं, देख ले क्या है यार cosec स्क्वायर x, ये तो बहुत आसान हो गया, पता है tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ओ सॉरी cot का कितना होता है, cot का cosec स्क्वायर होता है, अरे cot को z बोल लो ना तो हमारा काम हो जाएगा, समझो हम क्या बोल रहे हैं, cot का cosec स्क्वायर, तो पुट कर लो ना cot x के जगह पर क्या z, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x dx अपने से z का dz, समझ रहे हो, क्या करें माइनस को उधर देने कोई तकलीफ है क्या, नहीं क्वेश्चन पे आओ, cot x को क्या बोले हो z, पावर n है तो क्या हो गया तुम्हारा जेड एन, और ए पोर्शन क्या हो जाता है माइनस, ये देखो माइनस को थोड़ा बाहर कर देना ना, माइनस dz, ए माइनस रह गया, एक्शन पर तोड़ दो ना, जो पावर है उसमें एक जोड़ा, जो मिलकर आया उतने का डिवाइड कर दिया, जेड का मान रख दो, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इसको अलग, जेड जेड मतलब क्या cot x, यानी ए हो गया तुम्हारा cot x का पावर n प्लस 1, चाहो तो ऐसे दिखा दो, यानी तो फिर माइनस ऐसे भी दिखा सकते हो, इस पावर को यहाँ भी ला सकते थे, यानी ए हो गया cot n प्लस 1 टू द x, ऐसे भी दिखा दो, देख लो जैसे छूट रहा होगा, ये तो बहुत सिंपल, ठीक है बढ़ो बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन ले लूँगा अब, 10 भी तो आसानी दिख रहा है, आई इज इक्वल टू क्या cot 5x, cot 5x इंटू cosec 4x, ओहो क्या करें, cot का माइनस cosec स्क्वायर, एक cosec स्क्वायर यहाँ छोड़ दो, एक cosec स्क्वायर को अलग कर दो, उसको dz में सेट करने के लिए, ओके मतलब एक cot 5x, इसको दो भागों में cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर, तो एक cosec स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर x, क्या हो गया cosec स्क्वायर x, और एक cosec स्क्वायर को फ्री छोड़ दो, फिर समझो 1 प्लस cot स्क्वायर x cosec स्क्वायर x, ओके, और एक cosec स्क्वायर मिलकर क्या कर देगा, cosec 4 कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, अब cot को z बोल लो, ये चला जाएगा मेरा dz में, यानी पुट करा क्या cot x के जगह पर z, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x इंटू dx, z का dz, बस केवल माइनस उठा के ना उधर डाल लो, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, देख लो बढ़िया देखना, cot मतलब z, ये हो गया z का पावर 5, 1 प्लस जेड स्क्वायर, ओके,
और ए पोर्शन हो गया तुम्हारा माइनस डी जेड। अब क्या करोगे, दो गुना जेड फाइव मिलकर जेड सेवन, ओके समझ रहे हो ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्शन पर तोड़ लो ना यार, अब तो आसान हो गया ना, क्या करोगे जरा बोलो। जेड फाइव का हो गया जेड सिक्स बाई सिक्स, इसका कितना हो गया जेड एट बाई एट प्लस सी। जेड मतलब क्या, कॉटेक्स, चलो माइनस को बाहर छोड़ देते हैं, ये हो गया कॉट सिक्स एक्स बाई सिक्स, ये हो गया कॉट एट एक्स बाई एट, ओके चलो एक क्वेश्चन नंबर टेन बन गया। नोट करो, नोट कर लो, अच्छा आगे बढ़ो, कौन बताऊं, इलेवन ट्राई करना, ट्वेल्व बताते हैं, कुछ तो क्वेश्चन बनाओगे ना अपने से। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर है, इसलिए मेरा भी मन हो रहा है किससे बताऊं, कॉट सिक्स एक्स, ओके। इसमें क्या चालाकी हम लोग लगाएं जी, जरा देखो तो करें क्या, जरा केयर करना, चालाकी क्या, एक कॉट सिक्स एक्स तो इसको ऐसे लिख दो क्या, मतलब क्या बोलते हो, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट फोर एक्स, ऐसा करो ना, बिल्कुल ऐसा करो, एक कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या हो गया पहले बताओ, कॉट स्क्वायर हो गया ना, एक कॉट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ कितना है, फोर है, तो एक स्क्वायर यहाँ मार दिए, अब क्या हुआ, ये हो गया कॉट फोर एक्स, समझ रहे हो ना, ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया कॉट फोर एक्स, लेकिन कॉट सिक्स है तो यहाँ हमने क्या कर दिया, कॉट स्क्वायर को छोड़ दिया, हो गया देख लो, ये कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर के तो कॉट फोर और कॉट टू यहाँ दे दिए, तो मिलकर कॉट सिक्स तो हो ही गया, हो गया कि नहीं, तोड़ दो, ए माइनस बी होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर, ओके ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, समझ रहे हो ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर थोड़ा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, ये हो गया, इसको फिर तोड़ना तो हमको पड़ ही जाएगा जी, तो यही कॉट फोर ले लेते तो बढ़िया हो जाता, थोड़ा चेंज कर दो क्या, क्योंकि ऐसे बनाओगे ना थोड़ा सा फिर इसको हमको तोड़ना पड़ जाएगा, तो इसलिए लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोग ये भवनाथपुर जाने के बजाय हम लोग कानपुर जा रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो ना, थोड़ा आसान पड़ जाएगा गाइस। ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर हो गया क्या, एक कॉट फोर एक्स यहीं पर दे दो, अच्छा रहेगा ये तुम्हारे लिए, एक कॉट स्क्वायर कॉट फोर मिलकर कॉट सिक्स, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या हो गया ये कॉट फोर एक्स कॉस एक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट फोर एक्स, ओके देखते चलना भाई, बांट दो तो इंटीग्रेशन यहीं पर बांट दो तो क्या हो जाएगा, देखो तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट फोर एक्स का इंटीग्रेशन, ओके इसका तो आसान हो गया यार, कॉट को अगर जेड बोलेंगे तो ये चला जाएगा मेरे डी जेड में, तो हम इस पोर्शन को पहले सॉल्व कर ही लेते हैं, इसको अलग देखते हैं जी, अगर हम इस पोर्शन के लिए अगर हम कॉट एक्स को जेड बोल दें, समझ लेना, तो कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जेड का डी जेड, ये थोड़ा सा ये माइनस जो है ना उधर दे दो ना, उधर दे दो, अब क्वेश्चन पे चलाओ, इस पोर्शन को देखो, कॉट को क्या बोले हो जेड, कॉट फोर एक्स है तो क्या हो जाएगा जेड फोर, ये पोर्शन क्या, तो कहता है माइनस यहां से मिलाओ डी जेड, अब इनका क्या करें, इनका तो हमने सॉल्व कर लिया, इनका क्या करो, तो ऐसा करो
इस कॉट फोर एक्स को ऐसे लिख लो फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो क्या हो गया कॉट स्क्वायर चाहिए कितना कॉट फोर, तो कॉट स्क्वायर को किनारे कर लिया, ये कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर मिलकर कॉट फोर, करना क्या चाहते हैं मल्टीप्लाई। ओके बढ़ू आगे बढ़ जाओ। चलिए अच्छा क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा इसमें इधर उधर घुमा फिरा कर दिया गया है, आ जाओ जरा ध्यान देते चलना भाई, थोड़ा सा मार्कर क्या कर सकते हैं माइनस। ओके जेड फोर मतलब क्या जेड फाइव बाई फाइव, यहाँ से देख लो माइनस, अब इस पे आ जाओ इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ओके देख लेना बढ़िया करा क्या आपने, इनको जो है आपने मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है। अब इंटीग्रेशन इनमें इंटीग्रेशन को बांट दो, माइनस जेड मतलब यहाँ क्या बोले हो कॉट एक्स, तो क्या हो गया कॉट फाइव एक्स बाई फाइव माइनस, अब इंटीग्रेशन बट रहा है माइनस गया इस पर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस में गया ये माइनस इधर भी जाएगा तो प्लस क्या कर देगा किसका इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स प्लस माइनस में, थोड़ा खास ध्यान देना जरा ये माइनस गया इस पर आ गया ये माइनस गया इस पर तो इसको प्लस कर दिया। ओके अब यहाँ पर भी जैसे यहाँ देखो फिर से हम यहाँ पर कॉट को जेड बोलने वाले हैं, ये देखो एक बार बोल दिए तो फिर दोबारा पुट करने की जरूरत नहीं है, कॉट को क्या बोला यहाँ कॉट को जेड बोले तो जरा ध्यान देना माइनस कॉट ये तो मेरा जस का तस, इस पे जरा ध्यान देना यहाँ ध्यान दो कॉट को हम फिर से बोला क्या जेड, तो ये क्या हो गया तुम्हारा जेड स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या है माइनस डी जेड, ये है माइनस डी जेड। ओके प्लस अब कॉट स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन हम लोगों को नहीं पता होता है, कॉसेक स्क्वायर का जरूर पता है तो फिर से इसको बदल दो, नहीं यार क्या बदल दो इसको बोल दे क्या कॉसेक स्क्वायर जेड माइनस वन बिल ए डी एक्स नहीं डी जेड। ओके समझ रहे हो तो कई स्टेप में हम लोग इसको जो है हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, जरा उसको देखना अब जरा आओ तो माइनस कॉट फाइव एक्स बाई फाइव दिस ए माइनस माइनस प्लस। ओके जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यू बाई थ्री प्लस अब इससे बढ़ेगा इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर जेड का कितना हो गया माइनस कॉट जेड और डी जेड का कितना हो गया जेड, समझ रहे हो कॉसेक स्क्वायर जेड का कितना माइनस कॉट जेड डी जेड का कितना जेड, अब फिर से जेड का मान रिटर्न कर दो अब आंसर आने वाला है माइनस कॉट फाइव एक्स बाई फाइव जेड मतलब क्या कॉट एक्स यानी हो गया कॉट क्यू एक्स बाई थ्री माइनस कॉट जेड कॉट जेड क्या हो गया जी क्या किए हो यहां जेड कहां से आ गया इस कॉट स्क्वायर एक्स का जगह आप लिखो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ना यहाँ तो हम लोग पुट कर ही नहीं पाए हैं, इस कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख रहे हो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना हो गया माइनस कॉट एक्स ना होगा जेड कहाँ से ला रहे हो और ये है हमारा ये हमारा सब वेरिएबल एक्स चल रहा है यहाँ तो वेरिएबल एक्स चल रहा था फिर समझ लो कन्फ्यूज मत होना जरा ध्यान देना ए आ गया जेड का मान वास रख दिए माइनस इंटीग्रेशन बांट दिए आ गया ये देखो ये गया इस पर प्लस प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके ये आ गया अब इस कॉट के जगह पर तुम क्या रख रहे थे जेड तो ये हो गया तुम्हारा जेड स्क्वायर ये क्या हो गया वहाँ से देखो माइनस डी जेड प्लस ये कॉट स्क्वायर एक्स है ध्यान देना यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ये है डी एक्स। ओके ये रह गया माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर का जेड क्यू बाई थ्री प्लस प्लस होना चाहिए था लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस कॉट एक्स माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया ये एक्स कन्फ्यूज मत होना वेरिएबल पर खास ध्यान देना अब क्या कर रहा ये उतर गया जेड का मान कॉट ए माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स। ओके
आंसर लिख रहे हैं सी, नोट करो। और ये चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो आज ये चैप्टर आपने देखा 19.7, तो आज इसको यहीं पर रोक देते हैं। अगला वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं गाइस, बाय बाय।